सुनिए यह शिक्षाप्रद कहानी, आपकी तरक्की को कौन रोक रहा है। एक बार किसी कंपनी के बॉस ने अपने कर्मचारियों को एक सबक सिखाने की योजना बनाई, क्योंकि कंपनी का कोई फायदा नहीं हो रहा था, यानी कि कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। कुल मिलाकर कंपनी को लगातार नुकसान हो रहा था। बॉस ने एक दिन अपने ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगा दिया कि कल रात उस इंसान का अंत हो गया जो आपकी तरक्की को बाधित कर रहा था, इसलिए आप सभी शाम को पधारें। सभी कर्मचारी ये सोचने लगे कि अब मैं आगे बढ़ सकूंगा, क्योंकि उस इंसान का तो अंत हो गया जिसके कारण उनकी तरक्की रुकी हुई थी। जब शाम को सभी वहां पहुंच गए तो सभी के दिमाग में एक ही सवाल था कि ऐसा कौन है। उन्होंने वहां देखा कि एक मुर्दा ढका हुआ रखा था। मुर्दा तो क्या, सिर्फ कोई निर्जीव चीज कपड़े में लपेटी हुई थी, क्योंकि बॉस सबक सिखाना चाहता था। जब एक एक करके लोग उससे मिलने के लिए गए तो वहाँ एक बड़ा सा कांच लगा हुआ था, जिस पर लिखा था कि सिर्फ आप ही हैं जो आपकी तरक्की को रोक रहे हैं। धीरे धीरे सभी अंदर होकर आए और सारी बात समझ गए। सभी ने बॉस से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि आप ये सोचते थे कि कोई आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो वो सिर्फ आप ही हैं और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए अपने अंदर के इस वहम को निकाल फेंको कि आपकी तरक्की को कोई और रोक रहा है, और आगे बढ़ो। दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अगर आप खुद हार ना मानो तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। जबकि हमें यह नहीं पता होता कि हम जड़ खुद ही हैं। अतः अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आप जरूर आगे बढ़ सकते हैं। कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। इसलिए अगर आप अपनी तरक्की चाहते हैं तो अपने आप को चुनिए और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।